नमस्कार दोस्तों, तो सभी को ये चीज मालूम है पोको X6 सीरीज जो कि एक्चुअली होगा Redmi Note 13 सीरीज का रिब्रांडेड वर्शन, वो इंडिया पे लॉन्च होने वाला, मतलब Redmi Note 13 सीरीज और पोको X6 सीरीज दिसंबर और जनवरी पे इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। Redmi Note 13 सीरीज के अंदर हर एक फोन है 5G जो कि चाइना पे लॉन्च हो चुका है, लेकिन जिन लोगों को 4G स्मार्टफोन चाहिए उन लोगों के लिए क्या, तो काजरी की एक स्पेशल डिवाइस स्पेशली इंडिया बांग्लादेश मतलब ये सब एरिया के लिए लॉन्च होने वाला है। फोन का नाम होगा Redmi Note 13 4G और ये स्मार्टफोन ऑलरेडी BIS साइट में आ चुका है और इसका बहुत सारे स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लीक हो चुका है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो Redmi Note 13 4G नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इसका पूरा स्पेसिफिकेशन, प्राइस, और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा कि नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का बार आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जो Redmi Note 13 4G इसका डिजाइन मुझे जितना लग रहा है ऑलरेडी जो Redmi Note 13 सीरीज जो लॉन्च हुआ है थोड़ा सा उसके जैसा ही होगा, मतलब डिजाइन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फोन का थिकनेस होगा 7.6 मिलीमीटर और वेट होगा 172 ग्राम और इसके पीछे आपको मिलेगा टोटली प्लास्टिक का बैक कवर। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 240Hz का टच सैंपलिंग रेट, 1300 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। तो मतलब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा एग्जैक्टली लास्ट बार के जैसा स्नैपड्रैगन 685 4G प्रोसेसर। कैमरे में आपको मिलेगा 64 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो फोन काजरी के टोटल 2 से 3 वेरिएंट पे आएगा लेकिन स्टार्टिंग होगा 4 64GB से। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ हाइब्रिड कास्टर्ड का ऑप्शन। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, साथ में 33W का चार्जर और कनेक्टिविटी है USB Type-C। तो अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और जिसके साथ हमें मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर हम इसके OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, कब इंडिया पे लॉन्च होने वाला, तो देखिए ये जो स्मार्टफोन ऑलरेडी BIS पे आ चुका है और अगले महीने पोको X6 सीरीज और प्रोबेबली Redmi Note 13 5G सीरीज लॉन्च होने वाला है। तो मुझे इतना लग रहा है ये स्मार्टफोन जनवरी के आसपास लॉन्च होने के सबसे ज्यादा चांस है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लीक्स स्मार्टफोन का प्राइस एक्जेक्टली लास्ट बार के जैसा ही होगा। लास्ट बार जो Redmi Note 12 4G लॉन्च हुआ था उसका प्राइस था 12 से 13 हजार के आसपास और इस बार भी इसका प्राइस होगा भाई 13 हजार रुपए के आसपास। तो अभी हर वीडियो से देखें क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट डिवाइस है या फिर इससे बेटर दूसरे की चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम इसका कंपैरिजन लास्ट बार का जो Redmi Note 12 4G लॉन्च हुआ था अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं ऑलमोस्ट सेम डिवाइस आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा ज्यादा अपडेट मिलेगा जैसे कि कैमरे के मामले में और डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा ज्यादा अपडेट मिलेगा, वरना दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम। इधर हम इस Redmi Note 13 4G का कंपेयर करेंगे, 2 साल पहले एक फोन लॉन्च हुआ था पोको M4 Pro के साथ जो कि एक बहुत ही बढ़िया 4G स्मार्टफोन है। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में Redmi नो डाउट बेटर पोको M4 Pro के मुकाबले। प्रोसेसर की अगर बात करें दोनों एग्जैक्टली सेम, क्योंकि पोको पे आपको मिला था Helio G96 प्रोसेसर, Redmi पे आपको मिलेगा Snapdragon 685 प्रोसेसर, दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम। कैमरे की अगर बात करें इस मामले में पोको होगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर। वेरिएंट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम, बैटरी और चार्जर के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम, स्पीकर के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम और OS अपडेट के मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब एक चीज देख सकते हैं कि जो Redmi Note 13 4G जो लॉन्च होने वाला है वैसे तो ठीक ठाक स्मार्टफोन है ऑन पेपर, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन 2 साल पहले जो लॉन्च हुआ था पोको M4 Pro 4G के साथ अगर हम कंपेयर करते तो आपको कोई भी अपग्रेड नहीं मिलेगा डिस्प्ले को छोड़ के। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोको M4 Pro 4G या फिर जो भी Note 12 4G अवेलेबल है, अगर आपके पास इसमें से कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल है तो ये जो Redmi Note 13 इसे लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी को एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला 4G स्मार्टफोन चाहिए तो उन लोगों के लिए Redmi Note 13 5G एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि Redmi का जो नया फोन जो 13,000 पे लॉन्च होने वाला है तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।